देखिए, कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे।